देखिए, जैसा बोला था वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा उतना सही से, ठीक है, तो फटाफट इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ यहीं पे गोला कर दूंगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें नेपाल रहेगी पूरे टूर्नामेंट के लिए, ठीक है। हमारा ये जो दूसरा ग्रुप है वो अच्छा बन सकता है, ठीक है। नेपाल ओमान में दोनों ही टीम जीती है तो ये वाला ग्रुप तो रेड है। इन दोनों का मैच जो है जैकपॉट हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ही इक्वल की टीम है और इनके मैच आपको जैकपॉट मिल सकते हैं। अब कौन सी टीम जीतेगी वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से इसमें हमारी टीम मलेशिया रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को बियर कीजिएगा, एक कुछ दिन की बात है, ठीक है। ये वाले मैच में तो यूएई ही हमारी टीम रहेगी। ये वाला ग्रुप काफ़ी अच्छा बन सकता है, बट इसमें हमारी टीम यूएई रहेगी, ठीक है। अब देखिए, कुवैत और इनका जो बहरीन का मैच है, अगर ये आपका सुबह वाला मैच यूएई जीत जाती है तो इन दोनों में फिर कुवैत को रन रेट वगैरह देखना पड़ेगा, बट फिर भी उतना हाई रन रेट नहीं उठा पाएंगे मेरे समझ से, ठीक है। ये मैच काफ़ी अच्छा, ये वाला भी बन सकता है, मैं आपको पहले बता दूँ। पर ये वाला मैच में देखिए, देखा जाए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है कुवैत, ये भले ही हारी है पर टेबल ट्रिक के हिसाब से मैं बहरीन के साथ ही रहूँगा, ठीक है। अब देखिए, मुंबई बड़ौदा पे आ जाते हैं, मैं आपको सारी चीज़ अपने हिसाब से ही समझा देता हूँ। मैं इसमें सिर्फ टेबल ट्रिक का काम करूँगा और लास्ट ईयर की चैंपियन मुंबई है तो इसमें हमारी टीम मुंबई रहेगी, ठीक है। जो ट्रिक है मेरा, अब पंजाब उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं कौन सी टीम एक को नहीं हारी है, ठीक है। तो पंजाब एक ही हारी है, उत्तर प्रदेश तो अभी पहुंची है, तो इसमें हमारी टीम पंजाब रहेगी। मैंने पहले भी दिन भी बोला था पंजाब जीत जाएगी। दिल्ली और विदर्भ में देख लेते हैं, विदर्भ और दिल्ली में कौन स्ट्रॉन्ग है टेबल के हिसाब से आपको पता चलेगा। दिल्ली एक भी नहीं हारी है, ठीक है, तो आपको दिल्ली के साथ रहना है, बस यही करना है आपको। मेरी जरूरत भी नहीं है, मैंने आपको इतना बता दिया है। होबार्ट की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये वाला मैच मैं चेस के साथ हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। ये चेस के साथ हूँ, अगर होबार्ट चेस करती है तो होबार्ट स्टार्स चेस करती है तो आप स्टार्स के साथ रह सकते हो, बट क्योंकि दोनों ही मेरी टीम है, आपको मालूम है मैं दोनों ही टीम सोच रहा हूँ कि आपकी सेमीफाइनल तक जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप चेस पकड़िएगा क्योंकि दोनों की टीम चेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब इंडिया श्रीलंका में मैच काफ़ी अच्छा बन सकता है, श्रीलंका काफ़ी टक्कर दे रही है, सिर्फ यही दे रहा है तो आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हो, बट एक इनिंग खत्म होने के बाद जो होगा मैं बता दूंगा। इसमें तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि आसाम की टीम ने पूरा मतलब पूरा रियान पराग ने मैच जिता दिया, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले दिन भी बोला था, रियान हालांकि एक भी नहीं हारी है, केरला की टीम अच्छा संजू सैमसन वगैरह है, तो ठीक है इसमें हमारी टीम वो नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें हमारी टीम केरला रहेगी, केरला की टीम में संजू सैमसन वगैरह सारे मेन मेन प्लेयर दिख रहे हैं मेरे को, हाँ सर। मतलब ये तो पूरी टीम एक ही प्लेयर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जमैका और ट्रिनिडाड का भी देख लेते हैं इधर ही। तो इसमें हमारी टीम ट्रिनिडाड रहेगी, एक भी नहीं हारी है जैसा मैं बोल रहा हूँ, और बारबेडोस वर्सेस लीवर्ड आइसलैंड दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम है, तो ये मैच अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, अब मैं दोबारा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे को खुद को याद नहीं है, ठीक है। अगर कुछ रहता है तो फटाफट बता सकता हूँ। ये मैच देखिए, लास्ट मैच हांगकॉन्ग ने हराया था इनको, ठीक है। हांगकॉन्ग चेज टीम नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ, ये डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। चेज में रेला जाएंगे, ठीक है। नेपाल में तो आपको आंख बंद करके नेपाल के साथ रहना है। सिंगापुर और मलेशिया में मैच काफ़ी अच्छा बन सकता है, बट आप मलेशिया के साथ रहो, इनके स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं। बहरीन कुवैत में मैच काफ़ी अच्छा बन सकता है, ये बहरीन मेरी टीम है जैसा मैंने बोला था, इट्स अ डिफेंड टीम। वो बात, ये चेस टीम रहेगा इसमें, ठीक है। इंडिया श्रीलंका में मैच काफ़ी अच्छा बन सकता है, जमैका ट्रिनिडाड में ट्रिनिडाड, ठीक है। मुंबई बड़ौदा में हमारी टीम मुंबई रहेगी, ये लास्ट ईयर की चैंपियन भी है। बड़ौदा में कुणाल पांड्या ने अकेले टूर्नामेंट के यहाँ तक लेके आए हैं। पंजाब में तो एक से बढ़कर एक प्लेयर हैं, सारे मेन मेन प्लेयर हैं इनके जो आईपीएल वगैरह भी खेल चुके हैं। इनकी बात अच्छा, इनकी टीम भी अच्छी है, उत्तर प्रदेश की टीम काफ़ी अच्छी है, इनको हल्के में नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि भुवनेश्वर कुमार काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। बट पंजाब के साथ ही मैं रहूँगा, इनकी टीम काफ़ी अच्छी, याद रखिएगा, मैच काफ़ी अच्छा बन सकता है। दिल्ली विदर्भ में हमारी टीम दिल्ली ही रहेगी, टूर्नामेंट की अनबीटेबल टीम के साथ ही अपन रहेंगे, ठीक है। करुण नायर इसमें है जैसा मैंने बोला है, ये रन बना के देगा, जितेश शर्मा आपको रन बना के देगा, तो ये सब जैसा मैंने पहले वीडियो में बोला था, ठीक है। केरला आसाम में आप पूरा टूर्नामेंट में सिर्फ यही बंदे ने जिताया, आप मेरा पहला वीडियो जाके देखिएगा मैंने कितना कुछ बोला था इसके लिए, ठीक है। बाकी पर हमारी टीम केरला रहेगी क्योंकि ये पूरी टीम इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उधर से एक विकेट गिरा है, रचिन रविंद्र का विकेट गिरा हो तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ चलिए, रचिन रविंद्र आउट हुआ, मैंने दो दिया था अभी, रचिन रविंद्र का फोर बाउंड्री नॉट और 30 रन नॉट, ठीक है, क्योंकि 100 रन नॉट है। मैं नहीं भी बोलूँ तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है, इसलिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसा मैंने बोला कि न्यूजीलैंड हार जाएगी, ठीक है, न्यूजीलैंड हारेगी और ये हार के नीचे पहुंचेगी, और जो लोग पंडित लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान निकल गए, अभी पाकिस्तान ऊपर आएगी, अब आप देखते रहिएगा, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ ठीक वैसा वैसा होगा, ठीक है। न्यूजीलैंड की बैंड बजने वाली है आज, मोटा हारने वाले हैं सब, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा और देना है मेरे को चैनल पर, इसको फटाफट खत्म कर देते हैं। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये और ये टीम हमारी टूर्नामेंट के लिए रहेगी, आप इन दोनों को पकड़ लीजिएगा, अभी बाद में बात करेंगे। इसमें तो बस वही दोस्तों, अगले में चलता हूँ।